क्या आपने डिसाइड किया है कि आप अपने स्पाउस के साथ एक जॉइंट होम लोन लेने वाले हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये ब्लॉग खास आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम ये देखेंगे कि क्या ऐसे फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और उन नुकसान से आप अपने आप को कैसे सेफगार्ड कर सकते हो। आज इन सारी चीज़ों में हम बात करेंगे हमारे इस ब्लॉग में। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, मैं आपका स्वागत करता हूँ हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी में। बेसिकली दोस्तों, आज मैं आपको अगर एक बैकग्राउंड दूँ इस ब्लॉग के बारे में, तो जब भी नॉर्मली देखिए, जब एक कपल डिसाइड करते हैं एक घर खरीदने का, तो एक बहुत एक्साइटमेंट रहती है उनमें। बट उसी एक्साइटमेंट के साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है, जब स्पेसिफिकली जब आप एक जॉइंट होम लोन में एंटर करते हो। तो देखिए, फ़ायदे तो आपको भी पता ही होंगे करके आप जॉइंट होम लोन ले रहे हो, बट देन कुछ नुकसान भी होते हैं, और उस नुकसान को कैसे आप हैंडल कर सकते हो आगे चलकर। अगर आप अभी उसको जान लो और उसके लिए अभी प्लानिंग करके रखो, तो फिर आगे चलकर ऐसे प्रॉब्लम को हैंडल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो बेसिकली जब आप एक बैंक को अप्रोच करते हो, तो बैंक पहले तो यही देखता है कि आपका कोई को एप्लीकेंट है या नहीं। तो जब आप अपने स्पाउस को एज अ को एप्लीकेंट रजिस्टर करते हो, और अगर वो स्पाउस प्रॉपर्टी में एज अ को ओनर रजिस्टर्ड नहीं है, तो बैंक को इससे कोई आपत्ति नहीं, बट इसका लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बहुत हो सकता है। यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहले तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि को ओनर और को एप्लीकेंट में क्या डिफरेंस है। एक को एप्लीकेंट होम लोन में, जब भी आप अपने स्पाउस को एज अ को एप्लीकेंट रजिस्टर करते हो, तो इनकी लाइबिलिटी ये है कि आगे चलकर अगर आप एज अ प्राइमरी बोरोवर ईएमआई नहीं भरते हो कुछ किसी कारण से, एक ऐसी सिचुएशन अगर डेवलप हो जाए, तो स्ट्रेट अवे सारी लाइबिलिटी को एप्लीकेंट पे आ जाएगी। और अगर मान के चलते आगे चल मतलब वो प्रॉपर्टी में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई ओनरशिप ही नहीं है, तो मतलब जो को एप्लीकेंट है वो ईएमआई पेमेंट एक ऐसे एसेट के लिए करेंगे जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो को एप्लीकेंट के साथ ही साथ को ओनर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो जॉइंट होम लोन लेना डेफिनेटली फ़ायदे की बात है, बट उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे यू नो ड्रॉबैक्स भी है जो आपको समझना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको प्लान करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम पहले एक नज़र मारते हैं कि फ़ायदा क्या क्या है एक जॉइंट होम लोन लेने के, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहली जो पहला बेनिफिट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपकी एक तो होम लोन लिमिट बढ़ जाती है, मतलब आप एक बड़ा लोन एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम एज अ हस्बैंड, आपकी सैलरी के हिसाब से आपकी जो एलिजिबिलिटी है होम लोन की वो 30 लाख रुपीज़ की है, और आपके स्पाउस को एज अ को एप्लीकेंट ऐड करने से उनके सैलरी के हिसाब से उनकी एलिजिबिलिटी 20 लाख रुपीज़ है। मतलब कंबाइंड अगर हम होम लोन यहाँ पर लिमिट देखें तो वो 50 लाख की हो जाती है। तो एक बड़ा होम लोन आप एक्सेस कर सकते हैं अपने स्पाउस को को एप्लीकेंट ऐड करने के बाद। सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि अगर आप अपने वाइफ को प्राइमरी होल्डर करके रजिस्टर करते हैं, तो आजकल बहुत सारे बैंक वुमेन के लिए डिस्काउंटेड रेट्स ऑफर करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। सेकेंड, कुछ स्टेट्स में जो स्टैम्प ड्यूटी की जो फीस होती है ना, उसमें भी रिबेट रहता है वुमेन के लिए, वुमेन बायर्स के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे एक बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। थर्ड जो बेनिफिट मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जब आप स्पाउस को ऐड करते हो एज अ को एप्लीकेंट, तो आपको एक हाई टैक्स रिबेट क्लेम करने को मिलता है। जी हाँ, देखिए, एज एन इंडिविजुअल आप अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए की प्रिंसिपल पे करने का आपको रिबेट तो मिलता ही इनकम टैक्स में, साथ ही साथ आपको अंडर सेक्शन 24 2 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन मिलता है इंटरेस्ट पे करने पे, होम लोन का इंटरेस्ट पे करने पे। यही पे अगर आप अपने स्पाउस को भी एज अ को एप्लीकेंट ऐड करो, तो ये 3.5 लाख रुपए की लिमिट स्ट्रेट अवे 7 लाख रुपए हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। टैक्स में आप बहुत अच्छी तरीके से सेविंग्स कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्लानिंग हो सकती है अगर आप अपने स्पाउस को ऐड करो अपने होम लोन में। तो ये कुछ बेनिफिट्स हुए। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स को लेकर। देखिए, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है दोस्तों, मान के चलते आपने अपने स्पाउस को एज अ को एप्लीकेंट ऐड किया है। लेट्स अज्यूम एक केस है जहाँ पे हस्बैंड ने वाइफ को ऐड किया उनके होम लोन में एज अ को एप्लीकेंट, और ओनरशिप नहीं उन्होंने दी है, मतलब उनको को ओनर करके रजिस्टर नहीं किया है। अब अगर ऐसा कोई इवेंट आ जाता है जहाँ पर लेट्स अज्यूम डिमाइस हो जाए, प्राइमरी बोरोवर की डिमाइस हो जाए, हस्बैंड की डिमाइस हो जाए, तो यहाँ पे अभी वाइफ को
ईएमआई की लाइबिलिटी लाइफ लॉन्ग पे करती रहनी पड़ेगी, जब तक टेन्योर है तब तक पे करती रहनी पड़ेगी। अगर वो नहीं पे करते हैं तो स्ट्रेट अवे बैंक प्रॉपर्टी को सीज कर लेगा। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे रिस्क है कि अगर ऐसा कुछ इवेंट हो जाता है, अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, तो स्ट्रेट अवे अगर वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी यहाँ पे आ सकती है। तो ये पहला रिस्क है। सेकेंड रिस्क ये है कि बहुत ही लिमिटेड यहाँ पे शेयर रहता है। एक अगर मैं बात करूँ आज, अगर यही इवेंट की अगर इसके कंटिन्यूएशन में मैं बात करूँ, अगर डिमाइस हो जाए हस्बैंड की, तो वाइफ कम्प्लीटली उस प्रॉपर्टी में अपना अधिकार नहीं जता सकते। बिकॉज यहाँ पे हमारा जो लॉ है वो कहता है कि जो प्रॉपर्टी है वो तीन हिस्सों में डिवाइड होगी। पहले हस्बैंड के पेरेंट्स के बीच में, सेकेंड हस्बैंड के चिल्ड्रेंस के बीच में, और देन हस्बैंड के स्पाउस मतलब वाइफ के नाम पे। तो मतलब ये तीन हिस्सों में डिवाइड होगा, तो आपका बहुत लिमिटेड शेयर रहेगा। बट क्योंकि आप एज अ को एप्लीकेंट रजिस्टर्ड हो, तो आपको तो ईएमआई भरना है। मतलब आपकी शेयर लिमिटेड रहेगी, 1/3 ही रहेगी, बट आपको ईएमआई तो पूरा आपको ही भरना है। तो मतलब ये एक अगेन बहुत बड़ा यहाँ पर रिस्क है। तो ये एक सेकेंड ड्रॉबैक मैंने यहाँ पर देखा है। तो थर्ड ड्रॉबैक ये रहेगा दोस्तों कि सिबिल स्कोर, लेट्स अज्यूम अगर हस्बैंड ने पेमेंट नहीं की टाइम पे और डिफ़ॉल्ट कर दिया है, अभी होम लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं कर रहे वो, तो हस्बैंड की तो सिबिल स्कोर बिगड़ेगी, साथ ही साथ आपकी भी एज अ वाइफ, जो अभी हमने एग्जांपल लिया, एज अ वाइफ आपकी भी सिबिल स्कोर यहाँ पे बिगड़ेगी। तो मतलब क्या होगा आगे चलकर, अगर आप लोन लेना चाहते हो ना, तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी एक होम लोन लेने के लिए। बिकॉज होम लोन या ऑटो लोन, पर्सनल लोन, जो भी लोन आपको लेना है, अगर आपका सिबिल स्कोर इस कारण से बिगड़ा तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगी। तो ये मैंने कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ पे देखे जो मैंने सोचा कि आपसे मैं शेयर करूँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको कैसे हैंडल करें, इसको कैसे यू नो आप अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, वो ये है कि आप एक इंश्योरेंस ले लीजिए। एज सून एज जब आप एक होम लोन लेते हैं ना, अगर आप एक जॉइंट होम लोन में एंटर करते हैं, तो पहली चीज़ आप दोनों एज एन इंडिविजुअल एक एक टर्म प्लान ले लीजिए। जी हाँ, देखिए इंश्योरेंस से क्या होगा, अगर ऐसा कुछ इवेंट हो गया जहाँ पर यू नो अनटाइमली डिमाइस हो जाती है और सर्वाइविंग स्पाउस पे अगर इमीडिएटली वो लाइबिलिटी आती है, तो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू एन इंश्योरेंस। सो एक टर्म प्लान मैं यहाँ पे डेफिनेटली सजेस्ट करना चाहूँगा, और उस टर्म प्लान में आप होम लोन लाइबिलिटी की कवर ऐड कर सकते हैं और इस सारे लाइबिलिटी से बच सकते हैं। तो ये पहला रिकमेंडेशन। सेकंड रिकमेंडेशन ये है कि आप एक एग्रीमेंट बना लीजिए। देखिए एज अ कपल जब आप एक एग्रीमेंट पे आ जाते हैं कि चलो आज सब कुछ अच्छा है, हम होम लोन मैनेज करें, बट देन गॉड फॉरबिड्स आगे चलकर अगर हमारी रिलेशंस में कुछ डिफरेंसेस आ गई, तो उस टाइम पे एज एन इंडिविजुअल हमारी क्या लाइबिलिटी रहेगी। या पहले ही एग्रीमेंट बना के चलिए और उसको नोटराइज करके रखिए, सो दैट वो एक लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा, और अगर ऐसा कोई सिचुएशन डेवलप भी हो तो आप उसको फिर बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत ही अनफॉर्चुनेट होता है जहाँ पे डिमाइस होता है, डिवोर्स होता है, बट देन मैंने अभी तक ऐसे बहुत सारे, सिंस मैं इस पर्सनल फाइनेंसिस के प्रोफेशन में, मैंने बहुत कपल केसेस में काम किया है, तो मैंने देखा है, रियलिटी है ये, मेरे पास एग्जांपल्स ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे कपल्स जब तक होम लोन भर रहे, जब तक सब कुछ अच्छा है, तब तक बहुत ही अच्छा रहता है, बट ऑल ऑफ अ सडन जब एक कुछ क्राइसिस आ जाता है तभी रियलिटी मतलब पता चलती है, और फिर बाद में उसको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मतलब एक बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाता है एक होम लोन। तो उसको अगर हम अभी ही एडवांस में ही समझें और उसके लिए अगर उसके अकॉर्डिंग में हम प्लानिंग करके रखें, तो आगे चलकर गॉड फॉरबिड्स अगर ऐसा कुछ भी क्राइसिस आया तो आप उससे ईजिली बाहर निकल सकते हैं, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने सोचा ये क्यों ना आपको ब्लॉग के थ्रू एडुकेट करूँ, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि देखिए हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी की यही मेन पर्पस है कि हम जो भी क्राइसिस आगे हो उससे हम कैसे पहले ही प्रोएक्टिवली अपने आप को प्रोटेक्ट करके ले लें, ऐसे क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो हमको फॉलो करने चाहिए, यही बेसिकली इस चैनल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कपल्स को मेरे ब्लॉग शेयर कीजिए, बिकॉज देखिए मैंने एक यहाँ पर अभी सीरीज़ बनाई है जहाँ पर मैं कपल्स को ज़्यादा से ज़्यादा उनके पर्सनल फाइनेंस को लेकर एडुकेट करना चाहता हूँ। तो अगर आप उनको शेयर करते हैं ये ब्लॉग्स, तो डेफिनेटली उनको बहुत मदद होगा। उनको कहिए सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेफिनेटली लाइक बटन हिट करना ना भूले अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है, और मुझे कमेंट पे बताइए कि आपको आपकी खुद की क्या फाइनेंशियल वरी है। तो अगर एज अ कपल आप लोगों को कुछ चीज़ सता रही है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट में बताइए,
मैं डेफिनेटली उसको उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ धीरज साइनिंग ऑफ फ्रॉम हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी। टेक केयर, थैंक यू।